Good morning students. Today we will discuss about chemistry of the elements of first transition series, part 4. Magnetic behavior. हम इसके electronic configuration property पढ़ चुके हैं, variable oxidation states पढ़ चुके हैं और अब हम और इसका complex formation जो tendency है वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे यहाँ magnetic behavior. As has been mentioned earlier, there are several kinds of magnetism observed in the ions and compounds or complexes of the transition metals. Magnetism जो होती है वो कई type की होती है. एक होती है paramagnetism, एक होती है ferromagnetism. Ferromagnetism जो होती है वो paramagnetism मतलब high intense जो paramagnetism होती है that is called as ferromagnetism. इसे हम परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म को. कि फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि वो परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. एक होती है डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. लास्ट लेक्चर में मतलब मैंने पार्ट टू में जब आपको डिस्कस किया था ये तब मैंने आपको इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो हमारा कॉमन था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. अब हम देखते हैं यहाँ ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म देखते हैं. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है और मूविंग भी है. कोई भी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चार्ज्ड है और मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इट बिहेव्स एज टिनी मैग्नेट एंड माइक्रो मैग्नेट. अब हम इसके देखते हैं इसके अंदर मोशन हो रही है ये, तो मोशन भी किस टाइप की होती है, टू टाइप से मोशन कर रहा है ये. एक तो क्या होता है ये अपना अपने स्पिन मतलब अपने अलोंग ही क्या कर रहा है ये एक्सिस कर रहा है अपने वो सॉरी अपने जो इसका एक्सिस होता है उसके अलोंग क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है. तो इसे हम बोलते हैं स्पिन मोशन या फिर स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस प्रोड्यूस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो इसके स्पिन के अकॉर्डिंग जो स्पिन की वजह से जो स्पिन मोशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. एंड सेकेंड क्या होती है, इसकी ऑर्बिटल मोशन होती है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उससे उस मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. और रिजल्टेंट या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, इन दोनों का सम. इन दोनों का सम जब होता है यानी इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ही क्या कहलाता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन का. The observed magnetic moment of the compound is sum of moment of all electrons present in sum. और जितने भी और हमें क्या देखना है, कंपाउंड का देखना है. कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जितने भी उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो दोनों मोमेंट होते हैं स्पिन मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उन सबका हम सम कर देते हैं तब जाके हमें मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट कंपाउंड. अब देखिए अगर क्या होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेम ऑर्बिटल के अंदर कैसे हैं पेयर्ड स्टेट में हैं, तब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होता है उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी तरह का होता है, सेम रहता है, बट उनका स्पिनिंग मोशन जो होता है वो डिफरेंट होने की वजह से एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और अनदर कैसा करेगा एंटी क्लॉकवाइज में. तो दोनों का ही सेम ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है बट इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज़ कैंसल, तो कैंसल्ड हो जाता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है. तो जिनके अंदर हम एक इससे हमें ये बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दर्शाएंगे, यानी अगर हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं रिपेल करेंगे, उसे रिपेल करेंगे और दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इसी के ही अपोजिट हम ऐसे देखते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट और वो जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम कर देते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उनका निकलता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर उन्हें रखा जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसे क्या करते हैं लाइन जो उसमें से निकलती है तो वो उसमें से होके गुजरती है सब्सटेंस के से होके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो उसे अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं वो सब्सटेंस और उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक.
अब हम यहाँ देखते हैं कि रिजल्टेंट और टोटल मोमेंट जो होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको टोटल मोमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का ही क्या होता है, सम कहलाता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। सच सब्सटेंसेस दैट एक्सपीरियंस रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर कॉल्ड एज डाई मैग्नेटिक, एंड जो उसमें क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, कोई भी एटम है, कोई भी आयन है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को शो करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। वो यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है तो उसका इकाई आपको याद रखनी है बोर मैग्नेटॉन है। इस बोर मैग्नेटॉन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू होता है EH अपॉन 4πmc, जहाँ पे H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यू नो दैट 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड हियर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑल पॉइंट जो भी हैं ये सब हमें क्या है नॉन है, तो हम इससे इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, यानी एक बोर मैग्नेट्रॉन इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे, इनका वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एज 1 बोर मैग्नेट्रॉन। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वो भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, म्यू एस बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट हो गया, इज इक्वल टू जी अंडर रूट में है एस इंटू एस प्लस 1। यहाँ पे एस जो है वो है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें उनके टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसे हम सम कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। जी कहलाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसे हम जी फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है रूट एस इंटू एस प्लस 1, ये वैल्यू क्या कहलाती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जी जो होता है वो कहलाता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट, इसे हम दूसरा इसका नेम क्या है गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं। और किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है नियरली 2, और एग्जैक्ट होती है 2.00023। इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ मेटल आयंस, एंड इन सच केसेस द स्पिन कंपोनेंट इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी क्वेंच्ड और सप्रेस्ड, देयरफॉर द लैटर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द फॉर्मर। इसका मीन ये है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के मतलब डी सब शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर भरे हुए रहते हैं, और ये क्या रहते हैं एक तरह से आउटर सरफेस भी रहते हैं, उसके बाद 4s आता है फिर। और अगर मेटल आयन हम देख लेते हैं, मेटल आयन की फॉर्म में बना रहे हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो 3d जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो हमारे क्या रहते हैं बाहर आउटर सरफेस पे रहते हैं। और यही केस अगर हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में देखते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं N-2F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो इसी वजह से ये आउटर सरफेस पे होते हैं, इस वजह से इनका जो ऑर्बिटल मोशन जो होती है इनकी हम क्या मानते हैं नेग्लेक्ट मान सकते हैं, या फिर क्वेंच या सप्रेस मानी जा सकती है। केवल और केवल कौन सा डोमिनेट करेगा, स्पिन, जो उसकी स्पिनिंग मोशन होती है वो डोमिनेट करती है, तो हम ऑर्बिटल मोशन को हम क्वेंच या सप्रेस्ड मानते हुए उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को भी क्या मान लेते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। होता तो है उनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पर वो बहुत ही कम रहता है, तो हम केवल और केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ही, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसमें से केवल हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ही वो डोमिनेट करता है, वो बहुत नगण्य होने की वजह से, आप बोल सकते हैं बहुत नेग्लिजिबल होने की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम उसमें से छोड़ देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाता है, इन सच केसेस द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज देयरफॉर कंसीडर्ड एंटायरली ड्यू टू द स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही माना जाएगा, और हम लिख देंगे म्यू एस इज इक्वल टू 2, यहाँ पे जी की वैल्यू हमने लिख दिया फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो 2 होती है, 2 इंटू रूट एस इंटू एस प्लस 1। अब हम इस एस को
क्या कर, अब हम टू को अंदर लाना चाहते हैं तो हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट फोर एस इंटू एस प्लस वन की तरह से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होती है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या फिर तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगी, जितने भी स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका सम अगर हम कर देते हैं एन इंटू एस, और एस बराबर तो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है इसकी वैल्यू हम वन बाई टू एंड वन बाई टू प्लस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू लिखते हैं। साइन हमें यहाँ पे यूज़ नहीं लेना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फोर लिखेंगे एन की जगह, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टू लिखेंगे एन की जगह, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वन लिख देंगे, और एस की जगह हमें वन बाय टू लिख देनी है। तो हमारा टोटल एस की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब हम एस बराबर यानी क्या हो जाएगा, एन इंटू वन बाय टू या फिर आप बोल सकते हैं एन बाय टू। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, एस की जगह फोर इंटू एन अपॉन टू फिर ब्रैकेट में n पॉइंट टू प्लस वन, तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू, और n बराबर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, और मैग्नेटिक मोमेंट केवल और केवल क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है, इसलिए म्यू एस लिख दिया हमने रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखिए स्कैंडियम प्लस थ्री आयन है, कॉन्फिगुरेशन थ्री डी जीरो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो आप जीरो रखोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर टाइटेनियम प्लस थ्री है, टाइटेनियम प्लस टू है, ये इस तरह से आयन्स बताए हैं, ये इनका कॉन्फिगुरेशन है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देख लेना है और फिर वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, जो कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूले से वो तो कैलकुलेटेड है, और ऑब्जर्व जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो इसी रेंज में आता है। द पैरा मैग्नेटिज्म फर्स्ट इंक्रीजेज इन एनी ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज एंड देन डिक्रीजेज। देखिए पैरा मैग्नेटिज्म पहले तो किसी भी कोई भी ट्रांजिशन सीरीज ले लो, 3D ले लो, 4D ले लो, 5D ले लो, सब में आप क्या देखते हो पैरा मैग्नेटिज्म पहले तो इंक्रीज होता है और बाद में मिडिल में सबसे मैक्सिमम होता है और फिर बाद में डिक्रीज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आपके क्या वहाँ पे होते हैं, मिडिल में। आप चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो धीरे धीरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं और मिडिल में मैक्सिमम हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा आपका म्यू एस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस हैं, विच आयन हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, देखोगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। Mn प्लस टू इसका आंसर दिया गया है, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिया गया है Fe प्लस थ्री। Fe प्लस थ्री के अंदर अब आप खुद ही देखोगे यहाँ पे, ये खुद को आपको सॉल्व करना है। Fe प्लस थ्री देखना, Fe का क्या होता है, आयरन का होता है 3d6 4s2। दो इलेक्ट्रॉन एस के निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका किस में निकल गया है, 3d6 है तो वन निकल गया, 3d5 रह गया, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 5। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में है, उसी का ही मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। सेकेंड बताया है क्वेश्चन है, वॉट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम एन प्लस टू आयन, जेड बराबर 25 इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे विद एटमिक नंबर टू है आपका 25 है, एम एन प्लस टू में क्या हो जाता है, इसका कॉन्फिगुरेशन वैसे एम एन का होता है 3d5 4s2। एम एन प्लस टू अवस्था में दो इलेक्ट्रॉन एस के निकल जाते हैं, d5 ही रह जाता है आपका, पांच इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लीजिए रूट एन इंटू एन प्लस टू वाले फॉर्मूले से, रूट फाइव इंटू फाइव प्लस टू आपने लिखा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। थैंक्स।